नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदूषण मुक्त सिरसा को लेकर के शिक्षा विभाग व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन। पंचायत भवन में आयोजित बैठक को उपायुक्त प्रदीप कुमार ने संबोधित किया। छात्रों को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए पटाखे न जलाने का संदेश भी दिया। शिक्षक बच्चों को दें संस्कारी शिक्षा, प्रकृति का आदर करने के लिए प्रेरित करें। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। सिरसा के पंचायत भवन में आज प्रदूषण मुक्त सिरसा को लेकर के शिक्षा विभाग व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने बैठक में मौजूद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों से अपील की कि वे छात्रों को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए पटाखे न जलाने का संदेश दें। उन्होंने इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में अध्यापक वर्ग सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चों पर शिक्षक का असर सकारात्मक होता है। अब देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। आज की बैठक का मुख्य जो एजेंडा था वो प्रदूषण मुक्त सिरसा। जैसे हम देख रहे हैं कि इन दिनों में प्रदूषण का स्तर सारे देश में बहुत बढ़ रहा है और हमारे हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर जो NCR के इलाके हैं उनमें। आगे त्यौहार आएंगे, दिवाली का त्यौहार आएगा, उस पर हम पटाखे चलाते हैं, उससे बारूद से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है उन एक दो दिनों में। तो इस बारे में हमने यहाँ पे मंथन किया, आपस में विचार विमर्श किया और DC साहब ने भी ये संदेश दिया कि सबसे बड़े जो एक वाहक हैं इस प्रचार के, इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए, वो विद्यालय हैं और विद्यालय के बच्चे हैं। ये बच्चों तक बिल्कुल पहुँचाएँ, उनके दिमाग में ये बात जो डाली जाए कि जो है प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ना चलाए जाएं, इसके अलावा जो खुशी के जो हैं किसी प्रकार से त्यौहार की मना ली जाए, जो धुआं छोड़ने वाले पटाखे ना चलाए जाएं, और ये संदेश जो है टीचर्स तक भी जाए, परिवारों तक भी जाए और बच्चों तक भी जाए, इसलिए जो है हमने ये संदेश दिया। इस संबंध में जो है हमने सभी जो है उपायुक्त महोदय ने, हमारे शिक्षा अधिकारियों ने और सभी स्कूल संचालकों ने ये शपथ भी ली है कि हम जो है इस पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण को जो है निरुत्साहित करने में जो है हम अपनी भूमिका निभाएंगे। DC साहब ने मुहिम चलाई है पर्यावरण को बचाओ सिरसा बचाओ, तो उसी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सजर्मे से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने ये शपथ ग्रहण करी कि हम स्कूल के विद्यार्थियों को पटाखे नहीं बजाने देंगे, ना हम पटाखे खरीदने देंगे, ना बजाने देंगे, और उन सबको हम मार्गदर्शन करेंगे कि पटाखों से प्रदूषण होगा, प्रदूषण होने के बाद ही बीमारियां फैलती हैं। अगर एक स्कूल में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 200 पढ़ते हैं, 500 बच्चे अगर शपथ ले लेते हैं पटाखे नहीं लेंगे, तो उससे भी प्रदूषण पर बहुत असर पड़ेगा। तो इसी मुहिम के लिए DC साहब ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करा और सभी को ये कहा कि जो गांव में स्कूल है वहाँ पराली ना जलाने के लिए भी प्रयास करें और साथ में पटाखे ना जलाने के लिए कोशिश करें। ये मुहिम आज शुरू की गई है और इसके लिए सभी स्कूलों ने इसके लिए ओथ लिया और ये भी कहा कि हम उनको आगे पूरा सहयोग देंगे सर को इस मुहिम में। जिला शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन की जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे हम आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है, उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हमारे सिरसा जिला में स्वागत करता हूँ। उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, हम मोस्टली स्कूलों में या तो कंप्यूटर लीक कर दिए या तो कुछ टाइम के बुला रहे किसी ने कॉन्टेक्ट पे एंगेज करके, इसका एक अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास है कि आप दुकानदार के सामने आपके शॉप है किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की, आप उसको भी वो काम सौंप सकते हैं, उसको भी उसी हिसाब से।